हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, और ये पूरी सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सभी बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैंने मई 2018 के कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस सीरीज़ में एक पार्ट में आपको 50 से 60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन हैं, वो आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से सारी चीज़ें सुने, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। ठीक है, एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर को किसने खोज किया, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, तो इनका नाम है नरिंदर कपानी, ये इसका आंसर होगा। हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, हु इन्वेंटेड राडार, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राडार की खोज किसने की। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर है एएच टेलर एंड लियो सी यंग, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑटोमोबाइल, फर्स्ट ऑटोमोबाइल किसने प्रोड्यूस किया, तो इनका नाम है कार्ल्स बेंज, जैसे मर्सिडीज बेंज है उन्हीं के नाम पर मर्सिडीज बेंज का नाम रखा गया है, कार्ल्स बेंज इनका नाम है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न ऑटोमोबाइल किसने बनाया है, तो इसमें फिर आंसर होगा आपका हेनरी फोर्ड। हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप, ठीक है, वीडियो टेप को किसने इन्वेंट किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए, और इनका आंसर है चार्ल्स जिन्सवर्क, चार्ल्स जिन्सवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द लेजर, लेजर की खोज किसने की, ठीक है, तो इसका आंसर होगा टी एच मेमन। और हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ओरल, ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो ओरल जो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, जो ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं, उसकी खोज किसने की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम के लिए। अल्बर्ट सेबिन इनका नाम है, अल्बर्ट सेबिन, और इंडिया जो है वो पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है, पोलियो से मुक्त हो चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पोलियो वैक्सीन ओरल की खोज किसने की है, तो अल्बर्ट सेबिन इनका नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द आउटर मोस्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो रिसेंट जो चेंजेज आते रहते हैं, रिसेंट चेंजेज होते रहते हैं नासा के द्वारा, जो खोजें होती हैं सोलर सिस्टम में, जो जितने भी डिस्कवरीज और जितनी भी खोजें होती रहती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द आउटर मोस्ट प्लैनेटॉइड डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द सोलर सिस्टम, इसका नाम है सेडना, सेडना इसका नाम है। यहाँ पर हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 18 मई इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 18 मई जो है उसको हम मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आजकल कम्पिटेटिव एग्जाम में जो डेज होते हैं उसकी थीम भी काफ़ी पूछी जा रही है, तो थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2018, थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2018 ये क्या है, और इसका आंसर होगा हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम्स न्यू अप्रोचेस न्यू पब्लिक्स, हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम्स न्यू अप्रोचेस न्यू पब्लिक, ये इसका थीम है इंटरनेशनल म्यूजिक डे, जो कि 18 मई को मनाया जाता है। ये इंडोनेशिया के बारे में एक क्वेश्चन है, इंडोनेशिया हैज़ एग्रीड टू गिव इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एक्सेस टू इट्स सबंग सी पोर्ट, इंडोनेशिया का जो सबंग सी पोर्ट है उसको इंडिया को वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए एक्सेस देगा, और इसके बदले में इंडिया विल इन्वेस्ट इन द पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड बिल्ड ए हॉस्पिटल ऑन द आइलैंड, वहाँ पर आइलैंड एक वहाँ पर आइलैंड पर इंडिया एक हॉस्पिटल बनाएगा, और बदले में इंडोनेशिया जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एक्सेस देगा सबंग सी पोर्ट पर, जो कि इंडोनेशिया में है। आगे हम कुछ और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट टुडे अप्रूव्ड द सेंटर्स ड्राफ्ट स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट द कावेरी रिवर वाटर अमंग द 4 शेयर होल्डर पार्टीज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कावेरी वाटर जो है वो 4 जो उसके शेयर होल्डर हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टिंग दैट इट बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर मॉनसून दिस ईयर अर्लियर द अपेक्स कोर्ट स्लैम्ड द सेंटर फॉर डिले
इन फॉर्मुलेटिंग द स्कीम स्टेटिंग दैट इट वॉज इन शियर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स फरवरी वर्डिक्ट इन द केस। ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिए। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आती है उसमें यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि दिल्ली विल सरपास टोक्यो एज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2028। 2028 तक दिल्ली जो है वो पॉपुलेशन के मामले में टोक्यो को सरपास कर देगी, उसको पीछे छोड़ देगी, और दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पूरे वर्ल्ड में बन जाएगा 2028 तक। बाय देन इंडिया इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू रिप्लेस चाइना एंड बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री द रिपोर्ट एडेड। 2028 तक वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगी। अवार्ड एंड ऑनर्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम पढ़ते हैं। यूएस बेस्ड कथक डांसर आनंदिता आनम वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस श्री जयेंद्र राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018। श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा पुरस्कार 2018 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है आनंदिता आनम को। ठीक है, यूएस बेस्ड कथक डांसर हैं ये आनंदिता आनम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू द कथक एक्सपोनेंट ड्यूरिंग द जयदेव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। जयदेव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ये भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है, वेटरन ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर बीबीसी इंडिया करेस्पॉन्डेंट सर विलियम मार्क टुली हैज बीन चोजन फॉर 2018 रेड इंक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन जर्नलिज्म। ये मार्क टुली ये बहुत ही फेमस जर्नल पत्रकार हैं और इनको 2018 का रेड इंक अवार्ड दिया गया है मार्क टुली को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। कंप्लीट विनर लिस्ट ऑफ आईसीसी अवार्ड्स 2017 की ये आईसीसी अवार्ड की लिस्ट है। सर गैरफील्ड सॉवर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है विराट कोहली। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। तो ये क्वेश्चन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं स्टीव स्मिथ। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली हैं और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से जो अलग हटके हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हसन अली, पाकिस्तान के हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने ही पाकिस्तान को जिताया था। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हसन अली। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशिद खान है अफगानिस्तान के। देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हैं राशिद खान अफगानिस्तान के। आईसीसी मेंस टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये पूछी जा सकती है, ये कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस थी आईसीसी मेंस टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर? यजुवेंद्र चहल है एक्चुअली, ये यजुवेंद्र चहल, इन्होंने 25 रन पर 6 विकेट लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेव शेफर ट्रॉफी फॉर आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, डेव शेफर ट्रॉफी फॉर आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? मैरिस इरेस्मस, मैरिस इरेस्मस इनका नाम है। आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अन्य स्वरूप सोले इंग्लैंड के हैं ये, और आईसीसी फैन मूवमेंट ऑफ द ईयर पाकिस्तान ईस्टर्न इंडिया टू विन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसमें एक ये क्वेश्चन मींस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशिद खान, एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं आईसीसी मेंस टेस्ट टीम द ईयर 2017। ये आईसीसी ने एक टीम बनाई है, टेस्ट टीम बनाई है, इसमें विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है। ठीक है, और इसमें चेतेश्वर पुजारा हैं इंडिया की तरफ से और रविचंद्रन अश्विन हैं। इंडिया के मतलब तीन इसमें प्लेयर हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं और विराट कोहली हैं, और ये पूरी 11 खिलाड़ियों की टीम है। ये आपकी ओडीआई टीम है 2017 की आईसीसी की, इसमें भी विराट कोहली को ही कैप्टन बनाया गया है। इसमें है जसप्रीत बुमराह,
रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसमें तीन खिलाड़ी इंडिया की तरफ से लिए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से हसन अली को इसमें लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द 23rd महाराष्ट्र ओपन 2018 वॉज रिसेंटली हेल्ड एट पुणे इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी टू 7 जनवरी 2018। दिस इज द ओनली ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये 1972 में ये संस्था बनी थी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और ये एकमात्र ATP टूर्नामेंट है पूरे इंडिया के अंदर। 23rd महाराष्ट्र ओपन जो रहता है वो एकमात्र ATP टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ATP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और विनर्स ऑफ महाराष्ट्र ओपन कौन है, सिंगल्स के हैं गिली सिमन और डबल्स के हैं रॉबिन हासे, ठीक है। तो ये आप सारा आप पढ़ सकते हैं, ये सारे खिलाड़ियों के नाम, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6th एडिशन ऑफ श्रेंजन ओपन 2018 ऑल्सो नोन एज श्रेंजन गैम्बिडले ओपन, इसके ये विनर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन विनर्स, ठीक है, इसमें मैन सिग्नल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंथोनी सिनीसुका इंडोनेशिया से हैं ये, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के क्वेश्चन भी आप इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट विनर लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल्स का खिताब जीता है रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के हैं ये रोजर फेडरर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब जीता है कैरोलिना, ये डेनमार्क की हैं, कैरोलिना डेनमार्क से, ठीक है। ये मैंस डबल, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल, ये तीनों विजेताओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इनको आप इस वीडियो को आप कई बार देखें और इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करें। ये पद्म अवार्ड हैं 2018 के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसमें म्यूज़िक में, आर्ट में ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे ये अवार्ड दिया गया है श्री इलियप्पा राजा, श्री इलियप्पा राजा को आर्ट एंड म्यूजिक के लिए दिया गया है, ये तमिलनाडु से हैं। इसमें परमेश्वरन परमेश्वरन, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है, ये केरला से हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, पद्म भूषण दिया गया है इनको, पद्म भूषण। श्री पंकज आडवाणी, ये स्पोर्ट्स में दिया गया है, बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए, कर्नाटका से हैं ये पंकज आडवाणी, पद्म भूषण दिया गया है इनको। और महेंद्र सिंह धोनी को भी क्रिकेट के लिए पद्म भूषण दिया गया है। अलेक्जेंडर कराकिन, फॉरनर है ये पोस्थमसली, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म भूषण दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया ऑपरेटेड बाय सोलर पावर, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑन दिस ईयर 18th मे इन द ईयर 1974 में 18 मई को इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया। 1974 में हुआ था ये पोखरण का, तो ये SSC और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट द डिवाइस वॉज कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, ठीक है। जिस समय ये पोखरण का हुआ था उस समय थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द डिवाइस वॉज कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1974 में ये हुआ था पोखरण का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 18 मई को। आगे कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। US ड्रग रेगुलेटर हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ द फर्स्ट एवर मेडिसिन दैट प्रिवेंट माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन की एक दवा बनाई है और उसके लिए US ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया है, और इस दवा को नोवार्टिस और अमेजन ये कंपनियां बनाएंगी। आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर उत्तम पचेरनी वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द ललित कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी का इनको चेयरमैन बनाया गया है उत्तम पचेरने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ही इज द रिसिपियंट ऑफ नेशनल ललित कला अकेडमी 1985, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1985,
ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, तो आप इनका नाम याद रखिए, उत्तम पचार्ने, ये चेयरमैन बनाए गए हैं ललित कला अकेडमी के। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी एंड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमाटो हैज़ अपॉइंटेड समीर माहेश्वरी एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। ये बनाए गए हैं जोमाटो में, ठीक है। फूड डिलीवरी एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट है ये जोमाटो, और इसमें समीर माहेश्वरी को CFO बनाया गया है। मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक एल्डेस्ट सन लचालन मर्डोक विल बिकम चेयरमैन एंड CEO ऑफ द प्रपोज्ड न्यू फॉक्स कंपनी वंस इट डील्स विद डिज्नी इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एंड रेगुलेटर। तो फॉक्स जो नई कंपनी बन के आ रही है, उसमें उसके जो हेड रहेंगे वो रूपर्ट मर्डोक के सबसे बड़े बेटे लचालन मर्डोक रहेंगे, फॉक्स कंपनी के हेड। यहाँ से हम कुछ और करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडियन अमेरिकन सुशीला जयपाल हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ऑफ मल्टीनोमा कंट्री इन ओरेगॉन। ये US में अपॉइंट की गई हैं, सुशीला जयपाल बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की हेड बनाया गया है इनको। विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन टू बी इलेक्टेड इन द वेस्टर्न US स्टेट। इनका नाम आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एमिनेस्ट ज्यूरिस्ट इन द सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल, ठीक है। लोकपाल में इनको लिया गया है, मुकुल रोहतगी, और ये अटॉर्नी जनरल थे। रोहतगी वॉज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज्यूम्ड पावर इन मे 2014। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये लालचंद राजपूत के बारे में क्वेश्चन है। स्पोर्ट करेंट अफेयर्स। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लालचंद राजपूत हु वॉज द मैनेजर ऑफ द विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द 2007 ICC 2020 इन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन नेम्ड द इंटरिम कोच ऑफ द जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के इंटरिम कोच इनको बनाया गया है, लालचंद राजपूत को। देखिए, ये एक अच्छी खबर है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज प्लानिंग टू स्क्रैप द कॉइन टॉस इन टेस्ट फॉर मैचेज कंटेस्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अपकमिंग टेस्ट चैंपियनशिप इन ऑर्डर टू रिड्यूस होम ग्राउंड एडवांटेज। देखिए, जो टॉस होता है उसमें होम ग्राउंड एडवांटेज टीम को मिल जाता है, उनको आइडिया रहता है कि यहाँ पर किस तरह के टॉस ज़्यादा काम करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको स्क्रैप कर रही है, इसको हटा रही है कॉइन टॉस को, और इसकी जगह इन्होंने ये विचार बनाया है कि इंस्टेड ऑफ द कॉइन टॉस द विजिटिंग कैप्टन विल बी अलाउड टू डिसाइड वेदर टू बैट और बॉल फर्स्ट। जो विजिटिंग कैप्टन होगा वो डिसाइड करेगा कि उसको बैट करना है, पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसमें करीब 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। द कंट्री विच वन द 8th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप इन नेपाल रिसेंटली, नेपाल में हुई थी ये 8वीं साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप, ठीक है, इसको इंडिया ने जीता है। द स्टेट फ्रॉम विच द आर्म फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज एक्ट, आर्म फोर्सेज एक्चुअली ये स्पेशल पावर एक्ट है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये मेघालय से पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो थोड़ी सी सेंसिटिव स्टेट्स होती हैं वहाँ पर ये लगाया जाता है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और मेघालय से ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। $100 बिलियन का मार्केट कैप पूरा करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी बन गई है TCS। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 का मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल किसने जीता है, और इसका नाम है राफेल नाडाल। द इजिप्शियन फुटबॉलर हु हैज़ वन द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2017-18 सीजन, इनका नाम है मोहम्मद साला। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्राम पंचायत विच हैज बैग इंडियाज बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड, इंडिया की बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसको मिला है, तो इनका इसका नाम है दिगंबरपुर, ये वेस्ट बंगाल में है दिगंबरपुर।
द वेन्यू ऑफ द रिसेंटली हेल्ड मलेरिया समिट, मलेरिया समिट ये कहाँ पर हुआ है 2018 में, और ये हुआ है लंदन में। द ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें वो पोस्टल सर्विसेज को पूरी तरीके से डिजिटल करेगी। इस ऐप का नाम है दर्पण ऐप। इंडियाज रैंकिंग ऑन द न्यू कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स, न्यू कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स 10th, इसमें इंडिया की रैंकिंग है। और इंडियाज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन 2019 एज अनाउंस्ड बाई द IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 2019 के लिए इंडिया की जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है वो कितनी है, वो है 7.8%, ठीक है, 2019 के लिए, और 7.5% है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2018-19 के लिए, और 2018 में जो ग्रोथ रेट रही है इंडिया की वो है 7.3%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉप्स, एनसीसी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है पीपी मल्होत्रा, ठीक है। नासाज रिसेंटली लॉन्च न्यूएस्ट प्लानेट हंटिंग स्पेसक्राफ्ट, नासा का जो सबसे नया प्लानेट हंटिंग स्पेसक्राफ्ट है नासा का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है TESS, टेस उसका नाम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड अ कैशलेस हेल्थ स्कीम नेम्ड अटल अटल अमृत अभियान, अटल अमृत अभियान, ये असम गवर्नमेंट ने स्टेट असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये, और कैशलेस हेल्थ स्कीम है ये, ठीक है, अटल अमृत अभियान। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो क्लास में करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स और जीके के, वो आपके इंक्लूड हो गए हैं इसमें। और ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सीरीज़ में मैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँगा करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।